और देखिए किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार से बातचीत में दो मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। पराली और बिजली बिल की जो सहमति थी उस पर बन चुकी है बात। एमएसपी और कृषि कानून पर 4 जनवरी को एक बार फिर से चर्चा होनी है। किसान आंदोलन 36वें दिन भी जारी, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार कोशिशें कर रही है, क्योंकि तकरीबन 50% या उससे ज्यादा मांगों को माना जा चुका है। रात तक दरअसल बैठक चलती रही, उसके बाद जो अच्छी खबर सामने आई, जहां पर सरकार ने कई मुद्दों पर सरकार किसानों का साथ दे चुकी है, और ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ये आंदोलन खत्म होगा। बिल्कुल, तो इस बैठक को पूरी तरह से बेनतीजा कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि 50% जो मांगी थी किसानों की, नाराज किसानों की, उसे मान लिया गया है, और बाकी की बची जो 50% मांगे हैं उस पर भी बैठक होगी 4 जनवरी को। और ये देखिए कि कैसे 36 दिन तक किसानों का आंदोलन चलता रहा। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, हिंदुस्तान हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाता रहा है, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा आंदोलन जो है वो चलता रहा, बैठकों का दौर चलता रहा। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो बताएंगे आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर और हकीकत। ग्राउंड गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ प्रत्युष और प्रिया है, और साथ ही सिंघू बॉर्डर से हितेन और मल्लिका जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर का रुख करेंगे। प्रिया, प्रत्युष, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं और प्रत्युष जो है ना वो सुबह से डटे हुए हैं, और यहाँ की तस्वीर हम अपने दर्शकों को प्रत्युष दिखा रहे हैं। जो अच्छी खबर निकल कर सामने आई उसी अच्छी तस्वीर के साथ आज भी हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे। देखिए 36 दिन से लगातार जी हिंदुस्तान की टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है, और हम हर जगह की तस्वीर दिखाते हैं, क्या हलचल चल रही है और उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है ये भी हम दिखाते हैं। प्रिया और अक्षय कल यहाँ पर मौजूद थे आप लोग, और कल आपने दिखाया कि कैसे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस दौरान आपने देखा कि कुछ किसान, नकली किसान भी आ गए थे, वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई है आज की तस्वीर, चूंकि आज 31 दिसंबर है, ये साल खत्म होने को है। उम्मीद तो ये थी कि ये साल खत्म होते होते ये गतिरोध भी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन एक हैप्पी नोट के साथ कल बातचीत जो है वो खत्म हुई है 4 जनवरी को फिर से शुरू होने के लिए। ये तस्वीर गाजीपुर की मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, गाड़ियां जिनको सीधे निकल जाना चाहिए था इधर से सीधे दिल्ली के लिए, लेकिन उन गाड़ियों को मजबूरन यहां से यूटर्न लेना पड़ रहा है। एक लंबा गोल चक्कर से यूटर्न लेते हुए फिर उन गाड़ियों को नीचे जाना पड़ता है, और उसके बाद फिर आगे से उनको रास्ता पकड़ना पड़ता है, और अंदर भी आपको बहुत सारे कट्स है, उसके बाद आपको दिल्ली का रास्ता पकड़ेंगे। यानी कि जो रास्ता आप बमुश्किल प्रिया 10 मिनट में आप तय करते हैं, उसके लिए आपको लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही चीज है जो लगातार हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और जो सच्चाई है वो हम ग्राउंड जीरो से इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है प्रत्युष, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो इस देश के अन्नदाता है ना, उनकी जो मांगे हैं और जो जायज मांगे हैं वो जरूर सरकार सुनेगी। और हुआ भी यही, कल जब ट्रिबल मीट पे गए तो एक पॉजिटिव नोट के साथ किसान बाहर आते हैं, और यहाँ इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जैसी कोई और अच्छी खबर सामने आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सीधा इस वक्त आइए सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं, क्योंकि वो भी किसान नेता इस वक्त वहां पे डेरा जमाए हुए हैं, वहां भी मंथन चल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये कि आज की जो शाम होगी और कल की जो शुरुआत और सुबह होगी ना उनकी, वो अच्छी होगी, क्योंकि पॉजिटिव नोट के साथ वो सरकार के मंत्रियों से वार्ता करके पहुंचे हैं। रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जहां से इस वक्त हमारे सहयोगी हितेन और मल्लिका जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए प्रिया, आज की सुबह बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इन किसान नेताओं की काफ़ी खुशहाली वाली होगी, क्योंकि देखिए ये जब मीटिंग चल रही थी तब भी ये अपने किसानों के संपर्क में थे जो अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए थे, और पल पल की जानकारी ये अपने किसानों को मल्लिका दे रहे थे कि सरकार के साथ वार्तालाप में क्या हो रहा है। एक सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, दो मांगे, जो विद्युत निजीकरण वाला बिल था वो वापस लिया गया, जो पराली वाला 1 करोड़ फाइन वाला बिल था वो वापस लिया गया। अब दो मुख्य मांगे बची हुई है, ये कह रहे कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, उस पर चर्चा निश्चित तौर पर हुई है। एमएसपी पर सरकार ने समझाने की कोशिश की और कहा कि एक कमेटी का गठन जो है किया जा सकता है, वो कमेटी में आपके कुछ लोग होंगे और सरकार के कुछ लोग होंगे जो कानून और एमएसपी को लेकर लगातार, अगर किसानों को जब भी कोई दिक्कत होगी तो कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसको सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल, समिति बनाने का ये जो प्रस्ताव दिया है इसके ऊपर किसान नेता जो है वो भी मंथन करेंगे, और जो मुख्य मांगे थी उन पर सरकार कल तो भरोसा नहीं दिला पाई, लेकिन कल बहुत ही सकारात्मक माहौल में, एक अच्छे वातावरण में ये वार्ता हुई है, और कृषि मंत्री तोमर ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अभी आंदोलन खत्म हो जाएगा। कल एक बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। सिंघू बॉर्डर से लगातार हम आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं, उनका फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू प्रत्युष। प्रिया,
चलिए मलिका, हम कोशिश करेंगे कि जो बैरिकेड्स के इस पार है, कुछ ऑटो वाले यहाँ पर हैं और यहाँ से गाजीपुर जाने के लिए यहाँ पर पैसेंजर्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं कि क्या उनको पैसेंजर्स मिल रहे हैं और जो आ रहे हैं ना, उनसे जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आ रही है और कितनी दिक्कत हो रही है इस आंदोलन की वजह से? विनोद नगर से। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के रास्ते रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कितनी दिक्कत आप लोगों को भी हो रही है? हाँ, दिक्कत तो होती है क्योंकि मुर्गा मंडी वगैरह यहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ से तो हम डायरेक्टली जा नहीं सकते। बट ये है, उनका हक है, वो देना चाहिए, जरूर देना चाहिए गवर्नमेंट का। ये देखिए, हक जो है ना इस देश में किसी का भी मारा नहीं जाता, और वही तस्वीर कल निकल करके सामने आई है। प्रत्योष जी, देखिए ये बताइए कि यहाँ से गाजीपुर के लिए फिर कैसे जाने का रूट है, जरा बताइए। मुर्गा मंडी होते हुए वरना पहले तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती बैरिकेड्स की वजह से। बैरिकेड की वजह से पैसेंजर्स मिल रहे हैं? हाँ, कम मिल रहे हैं। अच्छा, कितना वक्त लग जा रहा है यहाँ से गाजीपुर जाने में? यहाँ से अब लग रहा आठ पौन घंटा जाम है ना। पौन घंटा का रास्ता हो पहले। पौन घंटे का वक्त लग रहा है, मतलब पैसेंजर्स को वहाँ उतर के बैरिकेड से फिर आपको इस तरफ आना पड़ता है। देखिए, बैरिकेड्स के इस तरफ ऑटो वालों ने यहाँ पर ऑटो लगाया हुआ है, देखिए खुद कह रहे हैं मुर्गा मंडी होते हुए पहुँच रहे हैं, पौन घंटे का वक्त लग जा रहा है। लेकिन ये कह भी रहे हैं कि किसानों का जो हक है ना वो उनको मिलना चाहिए, ये चीज है, और इसके लिए ये भी तैयार है कि कोई बात नहीं, जब तक हमारे देश के अन्नदाता खुश होकर के यहाँ से नहीं जाते हैं तब तक वो धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन उनका जारी है, वो हम उस चीज का सम्मान भी करते हैं। ये सेंटिमेंट वाली बात है ना कि हमारे देश में जवान और किसान, इन दोनों के साथ सेंटिमेंट लोगों का भी जुड़ा हुआ है, वो भी चाहते हैं कि समाधान जल्द से जल्द इसका निकले। एक बार फिर से हितेन और मल्लिका का हम रुख कर लेना चाहेंगे। हितेन, ओवर टू यू। जी प्रत्युष, देखिए सेंटिमेंट्स की आपने यहाँ बात की, आपने बहुत सही कहा कि पूरा देश जो है वो चाहता है कि अन्नदाता इतनी सर्दी में, आज हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, देखिए कितना कोहरा है, कितनी सर्दी, और ऐसी ठिठुरती सर्दी में लगातार 35 दिनों से आज 36वां दिन है, किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में देखिए, क्योंकि कल से नए साल की शुरुआत हो रही है, आज 2020 का आखिरी दिन है, तो हर कोई यही चाहता था कि नया साल किसानों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए, वो भी अपने परिवार वालों के साथ अपने खेत खलिहानों में पहुंचे और नए साल का जश्न मनाए। लेकिन कल जो बैठक हुई वो सकारात्मक रही, अच्छी बैठक रही। देखिए, ये सकारात्मक मलिका इसीलिए रही क्योंकि प्रधानमंत्री की चिंता लगातार पीएम जो है अलग अलग मंच से ऐलान करते रहे कि सरकार जो है किसानों को लेके खूब चिंतित है। कल रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि अन्नदाता जो है भगवान है उनके लिए, और सरकार जो है उनके सामने झुक कर वार्तालाप करने को, तथ्यों के आधार पर वार्तालाप करने को तैयार है, और कल वही तस्वीर भी दिखी। देखिए, एक भरोसा सरकार ने भी जताया इन किसानों को। अब तक लंगर जो है लगता था विज्ञान भवन में, तो सिर्फ ये किसान नेता उस लंगर को चखते थे, लेकिन कल पहली बार पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ चखा किया। क्योंकि देखिए, दिल्ली में आज नाइट कर्फ्यू है, और अक्सर हम देखते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर के लोग होते हैं, जब उनको नए साल के जश्न मनाने के लिए लोग दिल्ली से बाहर जाने का रुख करते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर आंदोलन चल रहा है और बॉर्डर तरह से बंद किया गया है, हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से जो यहाँ पर आंदोलित किसान, अगर आप अंदर का नजारा देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक छोटा शहर अपने आप में बसा हुआ है, मिनी पंजाब हम इसको कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। और किस तरह से यहाँ से 22 किलोमीटर यानी कि जो सोनीपत है, सोनीपत यहाँ से 13 किलोमीटर है, उसके भी 9 किलोमीटर आगे तक यानी कि पानीपत का आधा रास्ता तक इन्होंने जो है जमा दिया है, और वहां तक ये डटे हुए हैं, और एक छोटा शहर जो है बिल्कुल एक तरफ देखिए इतने कोरोना का नया स्ट्रेन भी अब भारत में दस्तक दे चुका है, उसकी वजह से तो लोग जश्न नहीं मना पाएंगे, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि जो लोग दिल्ली से बाहर जाया करते थे घूमने के लिए, कुछ दिन बाहर अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, आसपास दिल्ली के आसपास से जुड़े इलाकों तक पहुंचने के लिए, लेकिन क्योंकि अब तमाम बॉर्डर्स पर यह आंदोलन चल रहा है, बड़ी संख्या में जो किसान है वो डटे हुए हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी आ रही है। बिल्कुल, देखिए प्रत्युष का रुख करेंगे गाजीपुर में। प्रत्युष देखिए, यहाँ भी किसान जो है आज एक रणनीति तो बनाएंगे कि ट्रैक्टर मार्च निकालना है नहीं निकालना है, क्योंकि एक दिन के लिए स्थगित किया गया है वो, और 2 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसमें 4 तारीख की रणनीति बनेगी, फिर एक बार राकेश टिकैत जो है 2 तारीख को यहां पहुंचेंगे।
बिल्कुल देखिए यहाँ पे प्रत्युष, मुझे लगता है कि ट्रैक्टर मार्च जो एक दिन के लिए स्थगित किया गया और जो दो मांगे मान ली गई, राकेश टिकैत भी संतुष्ट नजर आए, वो कह रहे कि हम तो आंदोलन और प्रदर्शन अपना ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि सरकार ने दो मांगे मान ली, आगे और भी बात होगी, तो लगता है कि ट्रैक्टर मार्च आगे निकलेगा 2 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके बाद। उससे पहले मतलब किसान संगठन के नेताओं की तरफ से ये भी संकेत नहीं जाना चाहिए कि अभी भी वो बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि देखिए कल उन्होंने खुद मीटिंग के बाद, आपने देखा प्रिया, जब वो बाहर निकले विज्ञान भवन के बाद, तो हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो भी कह रहे थे कि आज बातचीत सकारात्मक रही है, यानी कि अब उम्मीद है कि 4 तारीख को बात कुछ और आगे बढ़ेगी। अभी तक वो ये नहीं कह रहे कि 4 तारीख को बिल्कुल खत्म हो जाएगा गतिरोध, ये कह रहे हैं कि बातचीत बढ़ेगी। बस वो जो मसला सबसे मेन पॉइंट है उनका कि कानून की वापसी, उसके लिए सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है। लेकिन सरकार ने जो समिति का सुझाव दिया है उस पर अब किसान संगठनों को तय करना है कि उस समिति के सुझाव को वो मानती है नहीं मानती है, क्योंकि 4 तारीख को जब वो बैठक करने जाएंगे, सरकार से मिलने जाएंगे, तो उनको ये क्लियर सरकार को करना पड़ेगा कि समिति की बात पर वो एग्री हैं या नहीं। देखिए किसानों की तरफ से भी, क्योंकि सरकार ने हरी झंडी तो दे दी किसानों को, तो अब किसानों की तरफ से भी ना ये बताना पड़ेगा कि अब आप हमारी मांग मान रहे हैं तो हम ज्यादा प्रदर्शन उग्र नहीं करेंगे, ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो मार्च है वो शायद स्थगित कर दिया जाए, एक दिन के लिए स्थगित किया गया, लेकिन अब 4 तारीख की जो मीटिंग होनी है वो उसका इंतजार किसान नेता जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल टावरों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा है, इससे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो भी बार बार समझा रहे हैं किसानों को कि देखिए ऐसा मत कीजिए, आपने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन धरना शुरू किया था, उसी पर आप कायम रहिए। अब किसान कोई ऐसा मैसेज प्रिया नहीं देना चाहेंगे जिसका गलत मैसेज जाए कि किसान संगठन जो है वो सहमत है, सरकार भी उनकी बातों को मान रही है, तो किसान नेताओं का और किसानों का जो रुख है ना वो भी लचीला है। और देखिए एक चीज माननी पड़ेगी कि प्रदर्शन आज 36वां दिन है, लगातार 35 दिन तक जारी, और उस बीच कोई भी सकारात्मक बातचीत और पहल सरकार की तरफ से नहीं हुई। सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप देखिए आपके लिए कानून हितकर क्यों है, लेकिन अब चूंकि सरकार ने उनकी दो मांगों को मान लिया है तो आगे इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इधर सर्दी का सितम भी है, दिल्ली की सर्दी लोग वाकिफ है कि कैसी होती है, उसकी तस्वीर और झलक भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। रुक करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जहां हितेन और मलिका हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मलिका देखिए सब किसी की जो निगाहें है ना उस सिंघू बॉर्डर पे भी टिकी होंगी कि वहां किसान नेताओं की, किसानों की जो मीटिंग होगी तो क्या आगे की रणनीति तय की जाती है। बिल्कुल प्रिया, और सिंघू बॉर्डर पर जो भी बैठकें होती हैं तमाम किसान नेता यहाँ पर शामिल होते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर मंच बनाए हैं, हमने कई बार तस्वीरें दिखाई हैं, दो मंच यहाँ पर हैं, और वहाँ मंच से जो भी प्रतिनिधि हैं, जो किसान नेता हैं, वो संबोधित करते हैं और तमाम किसान वहाँ पर मंच के नीचे बैठ कर उनकी बात सुनते हैं, ताकि एक एक जिसे कहते हैं सहमति बन सके, सबकी सहमति के साथ ही आगे। और आपने देखा जो एक बात कई बार सामने आ रही है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर दो मत दिख चुके थे, लेकिन जब सरकार ने उनके साथ लंगर चखा, चाय पर चर्चा की, काफी खुशहाल माहौल में ये सब अनौपचारिक बातें हुई, उसके बाद इन सब में एक मत जो दिखा। लेकिन सबसे बड़ा भरोसा मलिका तब जीता सरकार ने जब मीटिंग शुरू हुई 2:15 बजे के करीब, और वो सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने बोलना शुरू किया तो आते ही उन्होंने तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि आपका जो आंदोलन 35 दिनों तक चला है काफी शांतिपूर्ण माहौल में चला है, जिसकी हम सराहना करते, वरना अब तक के आंदोलनों में देखा गया है कि 35 दिन तक जो आंदोलन चल जाए या 36 दिनों तक जो चल जाए उसमें अनुमन हिंसा निकलकर सामने आती है, लेकिन इन्होंने सराहना कर दी, वहीं से दिल जीतना सरकार ने शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजी जो थी सरकार की वो शुरुआत से ही, मीटिंग की शुरुआत से ही किसानों का दिल जो है पिघलाती नजर आई थी, और साथ ही साथ सरकार के पास प्रधानमंत्री का मास्टर प्लान था जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ था, और वो मास्टर प्लान के बाद जो एक के बाद एक अंदर से सकारात्मक खबरें जो है वो निकलकर बाहर हमारे मोबाइल में आती रही, और सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने दर्शकों को भी कहीं ना कहीं जो भावनात्मक अपील्स थी ना वो भी काम आई, क्योंकि कल राजनाथ सिंह ने जिस तरह से अपने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उनसे कष्ट किसानों का देखा नहीं जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैसेज किसानों तक भी पहुंचा कि नहीं, प्रधानमंत्री को हमारी चिंता है, वो चाह रहे हैं कि समाधान निकले, और सरकार लगातार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर संबोधन में, जितनी बार भी उन्होंने किसानों के साथ संवाद किया, हर संबोधन में किसानों से उन्होंने यही अपील की कि आप इस कानून को पढ़ें, समझें, क्योंकि हम ये कानून इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप सशक्त बन सके, आप आत्मनिर्भर बन सके। अगर किसान आत्मनिर्भर होगा तो तभी हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक संवाद करने की लगातार इतने लंबे समय से कोशिश सरकार की ओर से भी हो रही थी, उसका भी असर कल की बैठक में देखने को मिला ही थे। बिल्कुल, देखिए एक रणनीति थी। देखिए प्रत्युष और प्रिया का रुख करेंगे, गाजीपुर से सुबह से ही लगातार बने हुए। प्रत्युष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री का मास्टर प्लान था, साथ साथ शुरुआत जो की थी सरकार ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरीके से आते ही आंदोलन की तारीफ कर दी, क्या ये सब ही सरकार की जो भावनात्मक बातें थी वही दिखा रहा था कि क्या ये किसानों का दिल पिघलता हुआ नजर आया? एक के बाद एक वो सहमत होते भी नजर आए, कमेटी में भी वो सहमति दिखा रहे, लेकिन उस पर खुलकर की बात हुई, इसीलिए 4 तारीख फिर एक बार जो तय की गई है। देखिए ये अब चूंकि ये डेडलॉक भी तोड़ना बहुत जरूरी था हितेन, इसे समझिए, क्योंकि सरकार लगातार इस प्रयास में लगी हुई थी कि कैसे भी किसानों को मनाया जाए, क्योंकि देखिए एक महीने लंबा, बहुत लंबा ये आंदोलन चल गया, साल खत्म होने को है, अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सरकार बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी और ये कह रही थी कि आप आइए बैठिए, जो चिंता आशंकाएं उसको हम दूर करने के लिए तैयार हैं, MSP आपका कहीं नहीं छिनने वाला, उसके लिए हम लिखित गारंटी देने को तैयार हैं। लेकिन बहुत वक्त लग गया, लगभग 3 वक्त 8 दिसंबर के बाद से, और बातचीत 30 तारीख को हुई है, लगभग 3 हफ्ते के बाद ये बातचीत हुई है, तो ये लंबा समय खिंच गया जरूर हितेन, लेकिन ये अच्छी बात ही हुई कि किसान नेताओं ने माना कि सरकार के साथ एक बार बैठ करके हमें बातचीत करनी चाहिए। जो उनकी दो तीन मांगे हैं, जो एक पराली वाला मसला बहुत अहम मसला था हितेन, इसे आप भी समझते होंगे कि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान जो पराली जलाते हैं, जिसको लेकर सियासत भी होती है कि भाई वहां से पराली जलता है तो पूरा वायु प्रदूषण यहां पर होता है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। किसानों ने कहा कि भाई ऐसे करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम क्या फसल बेचेंगे, सारा पैसा तो जुर्माने में निकल जाएगा। इससे सरकार ने कहा कि चलिए हम किसानों को इससे, प्रिया, इससे हम दूर कर देंगे। और बिल को लेकर, बिजली सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।